नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मजा आ जाएगा सच्ची आपको ये अगली सक्सेस स्टोरी सुनकर के। पता नहीं इन्होंने नाम क्यों नहीं दिया है यार। कमेंट बॉक्स में लिख करके चले जाना ना आपका नाम, क्योंकि आपकी कहानी में कुछ ऐसा है ही नहीं है कि आप अपना नाम छुपाओ। चलो फिर भी छुपाना है तो छुपा लो, बता दिया करो ना यार नाम। अच्छा लगता है हम लोगों को नाम सुन के, हमें भी एक नया नाम मिल जाता है। चलो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। इसके पहले मैं फेल हो चुकी थी और घर वाले मुझे ताने दे दे करके इस बार भी फेल कर देने वाले थे। और इसी बीच मैंने आपको एक कमेंट लिखा था जहां पर मैंने आपको ये बोला था कि मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि मैं फेल हो गई हूँ, और वो पिछली बार जो मैं फेल हुई थी वो भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है और मैं दोबारा एग्जाम देने जा रही हूँ। तब आपने मुझसे कहा था कि घर वाले जब भी बोले कि फेल हो चुकी हो तो ये सोचा करो कि मैं पास हो चुकी हूँ, और आपकी ये ट्रिक काम आई। पहले तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती थी जब मेरे घर वाले याद दिला देते थे कि तुम फेल हो चुकी हो ऑलरेडी, इस बार क्या उखाड़ लूंगी। और मैं इसे अपने मन में ऐसे दोहराती थी कि तुम पास हो चुकी हो और इस बार सब कुछ उखाड़ लोगी। हाय, ये आपने बड़े सही तरीके से लिया, वेरी वेरी नाइस। हाँ, सब कुछ उखाड़ लोगी। और बिल्कुल ही मैं इस तरह से ही बोलती थी अपने मन में, और ये भी सोचती थी कि पहली बार जो हुआ सो हुआ, वो तो हो चुका है, मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ। इस बार मुझे पास होना ही है। मेरे घर वाले भी आए दिन मुझे ये बोलते रहते हैं तुम पास हो चुकी हो और अब सब कुछ उखाड़ लोगी। आपकी लाइन बहुत अच्छी लग रही है यार, मजा आ गया। अपने नाम के साथ ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख जाना अगर आप अपनी ये खुद की स्टोरी देख सको तो, क्योंकि नाम जब मैं डाल देती हूँ ना तो आप अपनी स्टोरी इजिली देख पाएंगे। नाम नहीं होगा तो आपको भी कैसे पता चलेगा कि यह आपकी सक्सेस स्टोरी है। समझा करो जानम, समझा करो। आगे इन्होंने लिखा है, इस तरह से एफर्मेशंस देते देते, और हाँ आपका मेडिटेशन के बाद पढ़ाई करने वाला फंडा भी मेरे बहुत काम आया है। आपने लिखा बड़ी अच्छी लैंग्वेज में, बड़ा मजा आ रहा है इसको पढ़ के। मैं पहले मेडिटेशन करती थी और डीप ब्रीदिंग करती थी, उसके बाद में मैं अपना प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाती थी। ये करते करते एफर्मेशन देते देते एग्जाम का टाइम भी पास में आ गया और मैंने आराम से एग्जाम दे दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको कमेंट लिखा और आपने कहा रिलैक्स रहो, और ये जवाब आपने मुझे नहीं दिया था, किसी और ने एग्जाम दिया था और उसने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। मेरे कमेंट का तो नहीं, पर किसी और के कमेंट का जवाब था कि रिलैक्स रहो और सिर्फ पॉजिटिव सोचो। मैं भी रिलैक्स हो गई और इतनी ज़्यादा चिल थी कि मैं पास हो ही चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसा ही फील कर रही थी। और घर वालों की बातों को तो मैंने बिल्कुल वही वाली एफर्मेशन के तरीके से चलाना शुरू करके रखा हुआ था। एक तरीके का रिकॉर्डर था जो मेरे दिमाग में बार बार बजता था, क्योंकि मेरे घर वाले शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं है। हर दूसरे घंटे में वो मेरे एग्जाम की याद दिला ही देते थे। नए के लिए तो कोई भी बूस्ट नहीं करता था। जब मैं फील हुई थी सिर्फ वही याद दिलाने में इन लोगों को मजा आता था। अब मैं भी मजे लेने लगी थी। ये जब भी याद दिलाते थे मैं पॉजिटिव वाले मजे लेती थी, और वो मजे का अंजाम ये हुआ कि मैंने क्लियर कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से किया है। सब लोग शॉक्ड हैं और अब पिछली वाली बात ये सब लोग खुद ही भूल गए हैं। और इस बार मजे में तो मुझे ये भी बोल दिया कि अरे वाह, इस बार तो तुमने सब कुछ उखाड़ लिया, आपका एफर्मेशन आप ही को जाके लग गया। ब्यूटीफुल, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी है, थैंक यू सो मच यार। और मैं पास हो गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच्ची मुच्ची में काम करता है अगर आप इसके ऊपर पूरा विश्वास करें तो। आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे लोगों को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। हमें सच्ची मुझे में मदद मिली और मैंने पढ़ के बड़ा मजा आया, और आप लोग भी बताना कि आपको सुन के मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। इन्होंने बहुत फन वे में अपनी कहानी को लिखा है, काश ये नाम भी लिख देते तो वो और भी मजा आता। खैर, आप जो भी हैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशंस कि आपने क्लियर कर लिया है।
हम बहुत खुश हैं आपके लिए, आप हमेशा इसी तरह से तरक्की करते रहे और यूनिवर्स हमेशा आपका सपोर्ट करते रहे। आप अगर यूनिवर्स के सपोर्ट में अपने आप को हर वक्त लगा करके रखेंगे और हर वक्त अपना विश्वास बना करके रखेंगे तो पक्की बात है आपको जीत मिलनी ही मिलनी है। आई लव यू ऑल। अपना रखिए ख्याल, अपने से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।